Sichuan mixed vegetable egg fried rice। Sichuan mixed vegetable egg fried rice बनाने की विधि। इसके लिए सबसे पहले एक छोटे कटोरे में दो अंडे ऐसे तोड़कर अच्छे से बीट कर लें। अब एक गर्म पैन या नॉनस्टिक कढ़ाई में तेल डालें। अब बीट किए हुए अंडे पैन में डालकर फैलाते हुए पलटे से ऐसे चला लें और एक प्लेट में निकाल लें। दोबारा कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर कटे हुए लहसुन, प्याज, गाजर, बीन्स डालकर एक बार ऐसे टॉस कर लें। कटे हुए शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, उबले हुए मटर डालकर चलाते हुए चावल या भात डालें। अब ऊपर से काली मिर्च पाउडर, एजनोमोटो, विनेगर, नमक, सोया सॉस, लाल मिर्च का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसके ऊपर पहले से तैयार किया हुआ ऑमलेट या स्क्रैम्बल्ड एग, हरा प्याज डालकर एक बार और टॉस कर लें। अब अपना चूल्हा बंद कर इसे ऐसे एक प्लेट में निकाल लें और गर्म गर्म ऐसे ही सर्व करें।